स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट द थर्ड चैप्टर ऑफ क्लास 3 ऑफ सब्जेक्ट EVS। आज हम लोग क्लास 3 का थर्ड चैप्टर EVS सब्जेक्ट का स्टार्ट करेंगे और उस चैप्टर का क्या नाम है, फूड वी ईट, एंड द पेज नंबर इज 19। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। वी ऑल नीड फूड टू स्टे अलाइव। फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। इट हेल्प्स आवर बॉडी ग्रो वेल। फूड कीप्स आवर बॉडी हेल्दी। हम सभी को भोजन की आवश्यकता होती है जिंदा रहने के लिए, और जो भोजन है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि हम खेल सके या फिर कोई भी काम कर सके। ये हमारे शरीर को ग्रो, उसे विकसित करने में बहुत मदद करता है। फूड कीप्स आवर बॉडी हेल्दी, और जो भोजन है वो हमारे शरीर को स्वस्थ भी रखता है। फूड कॉन्टेंस मैनी यूजफुल सब्सटेंसेज। दिस सब्सटेंसेज आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। और फूड जो है, भोजन जो है, बहुत प्रकार के यूज़फुल यानी उपयोगी सब्सटेंस चीज़ें अपने अंदर कंटेन करता है, अपने अंदर वो सम्मिलित करता है, और उसी चीज़ों को, उसी सब्सटेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको न्यूट्रिएंट्स का डेफिनेशन मिल गया कि फूड कॉन्टेंस मैनी यूजफुल सब्सटेंसेज एंड दिस सब्सटेंसेज आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। The main nutrients in the food are carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals. और जो main nutrients होते हैं एक भोजन में, जो main nutrients होते हैं, nutrients मतलब क्या, वो useful, वो उपयोगी चीज़ें जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही ज़रूरी है, वो चीज़ें जो है nutrients कहलाती है। तो food में अनेक प्रकार के nutrients होते हैं, जैसे हो गया carbohydrate, हो गया फैट्स, हो गया प्रोटीन्स, हो गया विटामिन्स, हो गया और मिनरल्स हो गए। तो ये सब क्या है, न्यूट्रिएंट्स का नाम है। तो आपको अच्छे से याद रखना है इसको, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स, ये सब जो चीज़ें हैं हम हमारे भोजन में वो उपस्थित होती है। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, अब हम लोग पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स गिव्स अस एनर्जी। जो कार्बोहाइड्रेट होता है और फैट, हमारे भोजन का जो कार्बोहाइड्रेट और फैट होते हैं वो हमें क्या देते हैं, एनर्जी। एनर्जी मतलब ऊर्जा, वो हमें शक्ति देते हैं ताकि हम कोई भी काम कर सके, कोई भी गेम खेल सके, कुछ भी कर सके। कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। और जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं हमारे भोजन में, वो हमारे एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स होते हैं, बहुत बड़ा एक स्रोत होता है, वहीं से हमें एनर्जी मिलती है। पीपल हु डू फिजिकल वर्क नीड अ लॉट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। और वैसे लोग जो शारीरिक काम करते हैं, मतलब अपने बॉडी से बहुत ज़्यादा काम करते हैं, उन्हें बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत होती है। कार्बोहाइड्रेट्स आर फाउंड इन राइस, ब्रेड, पोटैटो, शुगर, हनी एंड अदर स्वीट थिंग्स। और कार्बोहाइड्रेट अब कौन कौन से भोजन में पाया जाता है ये हम देखेंगे। चावल में पाया जाता है, ब्रेड में पाया जाता है, आलू में पाया जाता है, शुगर यानी चीनी में पाया जाता है, शहद में पाया जाता है, और जो मीठी चीज़ें होती हैं, जो मीठा खाने वाला चीज़ होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा पाया जाता है। फैट्स कीप आवर बॉडी वार्म, बट टू मच ऑफ फैट्स कॉज ओबेसिटी और मोटापा। हमारा जो फैट्स है, जो हमारे भोजन में फैट्स होते हैं, वो हमारे शरीर को थोड़ा गर्म रखते हैं, गर्म रखने में हेल्प करता है। लेकिन अगर हमारे बॉडी में ज़्यादा फैट्स हो जाएंगे तो वो हमें क्या बना देगा, मोटा बना देगा, और उससे क्या हो जाएगा, हमें मोटापा हमारा बढ़ जाएगा और हम मोटे हो जाएंगे। फैट्स आर फाउंड इन घी, बटर, ऑयल एंड ड्राई फ्रूट्स। और फैट्स किन किन चीज़ों में पाया जाता है, घी में पाया जाता है, बटर में पाया जाता है, तेल में पाया जाता है, ऑयल में, और ड्राई फ्रूट्स यानी मेवा में पाया जाता है। तो फैट्स हमें चाहिए, हमारे बॉडी को चाहिए, लेकिन ज़्यादा मात्रा में नहीं, इसीलिए एक बैलेंस करके हमें खाना चाहिए ताकि हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ भी रहे और हम मोटे भी ना होए। आगे है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स हेल्प आवर बॉडी ग्रो। जो प्रोटीन होता है वो हमारे शरीर को विकसित करने में हमारी मदद करता है। दे ऑल्सो रिपेयर द डैमेज्ड पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। और ये जो है हमारे शरीर का, अगर कोई पार्ट डैमेज या फिर हमें चोट लगी है या फिर हमारा हड्डी टूट गया, कोई भी चीज़ जो हमारे बॉडी में डिसबैलेंस हो गई है, वो जो प्रोटीन है अगर हम लोग ज़्यादा खाएंगे तो वो हमारे
बॉडी की मरम्मत करता है। हमारी बॉडी में कोई भी चोट लग गई तो प्रोटीन से ही हमारे बॉडी की मरम्मत होती है। चिल्ड्रेन नीड अ लॉट ऑफ प्रोटीन्स बिकॉज दे आर इन देयर ग्रोइंग स्टेज। और जैसा कि हमने पढ़ा कि प्रोटीन जो है हमें विकसित करता है, हमारे शरीर को विकसित करने में हमारी मदद करता है, तो इसीलिए जो बच्चे होते हैं उन्हें प्रोटीन्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि वो जो बच्चे होते हैं उनका तो वो उम्र होता है ना बढ़ने का, आप लोग का भी है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन वाली चीज़ें खानी चाहिए। प्रोटीन्स आर फाउंड इन एग्स, फिश, मिल्क, मीट, पल्सेस एंड बीन्स। और प्रोटीन किन किन भोजन में मिलता है, तो एग में मिलता है, फिश में मिलता है, मिल्क में मिलता है, मीट में मिलता है, पल्सेस यानी दाल में मिलता है और बीन्स में मिलता है। तो ये सब चीज़ें अगर हम लोग खाएंगे तो हमारे बॉडी को क्या मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। आगे है विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज, दे कीप अस हेल्दी। विटामिन्स एंड मिनरल्स आर फाउंड इन फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अब ये बता रहा है कि विटामिन और मिनरल जो होते हैं वो हमें रोग से बचाते हैं, बहुत सारे डिजीज से हमें बचाते हैं, वो हमें स्वस्थ रखते हैं। और विटामिन्स और मिनरल्स जो है वो फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल में यानी कि ताज़ा फलों में और सब्जियों में पाए जाते हैं। वाटर एंड रफेज, बिसाइड्स दिस फूड आइटम्स आवर बॉडी ऑल्सो नीड्स वाटर एंड रफेज। और इन सब चीज़ों को छोड़ के हमें और भी कोई चीज़ है, और भी एक ऐसी चीज़ है जिसकी ज़रूरत हमारे शरीर को है, और वो है क्या, वाटर और रफेज। आवर बॉडी नीड्स 6 glasses ऑफ वाटर एवरी डे। वाटर हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड। जो हमारा शरीर है उसको डेली 6 glass, कम से कम 6 glass पानी की ज़रूरत होती है, और आपको हमेशा 6 glass से ज़्यादा पानी पीने की कोशिश करनी चाहिए एक दिन में। और ये जो पानी है वो हमें डाइजेशन में हेल्प करता है, मतलब हमारे भोजन के डाइजेशन, मतलब भोजन को पचाने में हमारी मदद करता है। रफेज इज़ फाउंड इन कैरेट, रेडिश, एप्पल एंड कैबेज। और रफेज जो होता है वो गाजर में, मूली में, एप्पल में मतलब सेब और कैबेज यानी पत्ता गोभी में पाया जाता है। रफेज जो होता है हमें कीप्स आवर बॉवेल मूवमेंट प्रॉपर एंड व्हेन वी गो टू टॉयलेट। अब ये क्या बता रहा है कि जो रफेज होते हैं, मतलब जो फूड हम लोग खाते हैं रफेज वाला, अगर ये हमारे बॉडी में ना हो तो हमें दिक्कत हो सकती है। और रफेज क्या हेल्प करते हैं हमारे बॉडी में, तो वो हमारे हाथ का जो मूवमेंट होता है, हाथ का जो गति होता है, जो हमारे हाथ का गति होता है उसको एकदम बैलेंस करता है, उसको एकदम सही रफेज जो है वो एकदम सही बैलेंस पे रखता है, ताकि हम जब टॉयलेट जाए तो हमारा जो शरीर है वो सही रहे, हमारे हाथों का जो मूवमेंट है, हमारे हाथों की जो गति है वह स्थिर रहे, वो एकदम बैलेंस यानी कि संतुलित रहे। ठीक है, तो रफेज, वाटर, विटामिन एंड मिनरल्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, इन सब चीज़ों की, ये सब न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत हमारे बॉडी को होती है, तो हमें इन सब को अच्छे से लेना चाहिए, ताकि हमारे शरीर का एक बैलेंस्ड ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, ठीक है, विकसित हो हमारा शरीर अच्छे तरीके से। अब आगे बढ़ते हैं। अब बैलेंस्ड डाइट, एक संतुलित आहार। अ बैलेंस्ड डाइट इज़ वन डैट कॉन्टेंस प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स इन द राइट अमाउंट। अब ये क्या बोल रहा है कि एक संतुलित आहार वैसा होता है जो प्रोटीन्स भी, प्रोटीन्स को इंक्लूड करे, कार्बोहाइड्रेट को इंक्लूड करे, फैट को, विटामिन मिनरल्स को होता है, और वो राइट अमाउंट में हो, यानी कि जो ऐसा एक भोजन जिसमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स एकदम सही मात्रा में हो, जिसे खाकर हमें सारे न्यूट्रिएंट्स भी मिले और हमारे शरीर को कोई हानि भी ना पहुंचे, उसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड डाइट बोलते हैं। अ बैलेंस्ड डाइट कीप्स अस हेल्दी एंड हैप्पी। और एक बैलेंस्ड डाइट, एक संतुलित आहार जो होता है वो हमें हमेशा स्वस्थ और खुश रखता है। तो एक नीचे पिक्चर दिया हुआ है, वो आप देखिए कैसे है। अब बैलेंस डाइट, अब ये लड़की बताएगी कि बैलेंस डाइट क्या होता है। तो प्रोटीन्स भी होता है उसमें, कार्बोहाइड्रेट्स भी होता है, विटामिन और मिनरल्स भी होता है, फैट्स भी होता है, वाटर भी होता है, और रफेज भी होता है। तो ये क्या बता रही है कि एक बैलेंस डाइट में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए।
तो ये पिक्चर में जो जो दिया हुआ है और जो लिखा हुआ है वाटर एंड रफेज, ये सब चीज़ें एक संतुलित आहार में होनी ही चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। कुकिंग, सम फूड आइटम्स नीड कुकिंग। राइस, फ्लोर, पल्सेस एंड मोस्ट वेजिटेबल्स आर कुक्ड बिफोर वी कैन यूज देम। अब ये बता रहा है कि कुकिंग, कुकिंग यानी भोजन बनाना। ठीक है, तो जो कुछ जो खाने के आइटम्स होते हैं, कुछ जो भोजन के पदार्थ होते हैं, वो कुकिंग उनको उनके लिए आवश्यक है, यानी कि उन्हें पकाना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे हो गया राइस यानी चावल, फ्लोर मतलब आटा, पल्सेस यानी दाल और बहुत सारी सब्जियाँ, वो सब इन सब चीज़ों को हम लोग पहले पकाते हैं, खाना खाने के पहले, मतलब उसे खाने के पहले हम उसे पकाते हैं। कुकिंग मेक्स द फूड सॉफ्ट एंड टेस्टी। और कुकिंग जो है, जो हम भोजन को पकाते हैं, वो जो भोजन है, जो हम चीज़ को पका रहे हैं, उसको सॉफ्ट बना देता है, मतलब मुलायम बना देता है और उसे टेस्टी भी बना देता है। वी ऑल्सो यूज स्पाइसेस टू गिव फूड स्पेशल फ्लेवर। और हम कुछ मसालों का भी यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो भोजन है वो और भी ज़्यादा स्पेशल बने, खास बने और उसका जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा हो। जैसे मसाले में क्या हो गया, हम लोग नमक डालते हैं, हल्दी डालते हैं, मिर्च डालते हैं, तो ये सब चीज़ें क्या हो गई, मसाले हो गए। मेथड्स ऑफ कुकिंग, अब बता रहे हैं कि कैसे, कितने प्रकार के जो मेथड्स होते हैं कुकिंग के, खाना बनाने के, वो होते हैं। द टेबल गिवन बिलो शोज द फूड आइटम्स एंड देयर मेथड्स ऑफ कुकिंग। और अब नीचे जो है फूड आइटम्स के नाम दिए, भोज्य पदार्थ के नाम दिए हैं, मतलब भोजन के नाम दिए हैं और उसको कैसे बनाते हैं वो दिया गया है। तो पहले है फूड आइटम में, फर्स्ट है पराठा, और कुकिंग मेथड है शैलो फ्राइंग, यानी कि जो पराठा है, जो हम लोग पराठा खाते हैं, उसको हम लोग हल्का भूनते हैं, यानी हल्का उसको फ्राई करते हैं। सेकेंड है राइस, स्टीमिंग और बॉइलिंग। और राइस को हम लोग कैसे बनाते हैं, स्टीम में यानी या फिर उबाल कर, ठीक है, जैसे कुकर में बनाते हैं हम लोग, प्रेशर कुकर में, या फिर किसी बड़े बर्तन में भी बनाते हैं। थर्ड है इडली, इडली को भी स्टीम करके यानी भाप के द्वारा बनाते हैं। फोर्थ है डोसा, डोसा को फ्राई करके यानी तवे पे उसको हल्का फ्राई करके बनाते हैं। फाइव है पूरी, पूरी को डीप फ्राई करते हैं यानी तेल के अंदर उसको अच्छे से उसे छानते हैं। सिक्स है चपाती, चपाती को हम लोग रोस्ट करते हैं यानी तवे पे सेकते हैं। केक को क्या करते हैं, बेकिंग करते हैं उसका, बेक करते हैं उसको। तो केक हो गया बेकिंग, चपाती हो गया रोस्टिंग, पूरी डीप फ्राइंग, डोसा फ्राइंग, इडली स्टीमिंग, राइस स्टीमिंग और बॉइलिंग, पराठा हो गया शैलो फ्राइंग। तो ये सब क्या थे, कुकिंग के मेथड, मतलब इन सब भोजन को हम लोग किस तरीके से बनाते हैं। आगे यहाँ पे एक बी वेयर लिखा हुआ है, तो क्या दिया हुआ है, न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इफ़ वी ओवर कुक द फूड। और ये एक इम्पॉर्टेंट बात बता रहा है जिससे हमें सावधान रहना चाहिए, अगर हम किसी खाने को, किसी भी भोजन को कुछ ज़्यादा पका देते हैं तो उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं तो वो कहाँ क्या हो जाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। अगर हम किसी चीज़ को ज़्यादा पका देते हैं तो उसका जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो ख़त्म हो जाता है, इसलिए उसे हल्का पकाना चाहिए किसी भी चीज़ को। अब आगे बढ़ते हैं सोर्सेज ऑफ फूड। ऑल ऑफ आवर फूड कम्स फ्रॉम टू सोर्सेज, प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब ये बता रहा है कि हमारे फूड के स्रोत, हमारे भोजन के स्रोत क्या है, मतलब हमारा जो भोजन है वो कहाँ से मिलता है हमें। तो हमारा जो भोजन है कहीं दो चीज़ों से आता है, एक तो हो गया प्लांट और एक हो गया एनिमल। प्लांट यानी पौधे, पेड़ पौधे, और एनिमल हो गए जानवर। इन दो चीज़ों से हमें हमारा भोजन मिलता है। तो प्लांट गिव अस सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, स्पाइसेस एंड बीवरेजेस, टी एंड कॉफ़ी। प्लांट जो है, पौधे जो है, वो हमें अनाज देते हैं, दाल देते हैं, वेजिटेबल देते हैं, सब्जियां देते हैं, फल देते हैं, मसाले देते हैं और पीने के पदार्थ यानी टी और कॉफ़ी देते हैं। एनिमल गिव अस मिल्क, एग्स, हनी, मीट एंड फिश। जो जानवर होते हैं वो हमें दूध देते हैं, अंडे देते हैं, हनी यानी शहद देते हैं, मीट देते हैं और फिश यानी मछली देते हैं। तो हमें जो हमारा भोजन है वो हमें दो स्रोतों से मिलता है, एक हो गया प्लांट पौधे और दूसरा हो गया एनिमल, एनिमल यानी जानवर। तो आज का चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है, नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं।
बिट्स है यहाँ पे, बी इज द ओनली इंसेक्ट विच कीप्स ईटेबल हनी टू ह्यूमन, और बी जो है मधुमक्खी जो है एक ऐसी इंसेक्ट है, बस इकलौती एक ऐसी इंसेक्ट है जो हमें खाने के लायक पदार्थ देती है, वो हमें मतलब एक ऐसा भोजन देती है जिससे हमें पकाना नहीं पड़ता, हम उसे डायरेक्ट खा लेते हैं। और राइस जो है, राइस इज़ द मोस्ट पॉपुलर फूड ग्रेन इन द वर्ल्ड, और राइस जो है, चावल जो है दुनिया का सबसे पॉपुलर, सबसे फेमस जो है, सबसे प्रसिद्ध जो फूड ग्रेन होता है, अनाज होता है वो है। एप्पल इज़ द मोस्ट कल्टिवेटेड फ्रूट इन द वर्ल्ड, और एप्पल यानी सेब जो है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा उसकी खेती होती है। ठीक है, तो ये हमेशा आपको याद रखना है। आगे क्विक बाइट्स है, इसको आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है, तो आज का चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।